रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के एनजी भवन में शिक्षक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी महिलाओं को जागरूक किया गया, तो प्रदेश सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर पहुँचाने के लिए उपस्थित महिलाओं को जानकारी भी दी गयी। हमीरपुर के एनजीओ भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शिक्षक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत भी महिलाओं को जागरूक किया गया, तो प्रदेश सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने के लिए उपस्थित महिलाओं को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हमीरपुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों और महिला मंडलों के सदस्यों ने भाग लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर द्वार तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अभियान में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि जो भी हमारे विभाग से जो भी हमें काम दिए जाते हैं उनको हम बेखूबी निभाते हैं, इसलिए हमें आज जो है मुझे अवार्ड दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए जो ये आयोजित किया जाता है महिला दिवस, इससे महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि वो अपने हिस्सों के लिए लड़ सकती है, जो भी उसको ज़रूरत होती है उसके लिए वो आगे खड़ सकती है। ऐसे नहीं है कि हम पुरुषों के ऊपर डिपेंड ही हो गए, हम महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। ये अपने मन में ऐसे धारणा ना बनाए कि महिलाएं पीछे हैं, महिलाएं आज पुरुषों से कहीं आगे हैं। स्वरोजगार योजना, जिससे महिला अपना काम काज कर लिए, सरकार उसको 5,000 रुपये देती है जिससे वो अपना काम आगे चला सके। और BPL बेटी हैंडमोल योजना, जिसमें BPL परिवारों की 2 बेटियों को लाभ मिलता है। वहीं CDPO हमीरपुर बलबीर बिरला ने बताया कि महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से आंगनबाड़ी वर्कर आशा वर्करों के सहयोग से लिंगानुपात के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, और इसी के चलते आज कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को जागरूक भी किया गया है। सशक्त महिला योजना का शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो है महिलाओं को हम उसको सम्मानित करेंगे जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। इसके साथ ही जो है वो हम प्रत्येक आंगनवाड़ी स्तर पर गठित सशक्त महिला केंद्र के पदाधिकारियों को सरकार द्वारा आवंटित की गए ढोल की चिमटा और खंजरी उपलब्ध करवाएंगे। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी काम कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में बाल लिंग अनुपात जो है वो 887 था, लेकिन पिछले 5 सालों से हमने बेहतर प्रयास किए हैं, जिससे जिला हमीरपुर का जो बाल लिंग अनुपात है वो 941 है, और विशेषकर जो हमीरपुर विकास खंड है उसमें हम 831 पे पहुंचे हैं। यही सरकार का जो है वो एक प्रयास रहता है कि हम जो है वो हर योजना सरकार की जो है वो आंगनबाड़ी स्तर तक जो है गाँव स्तर तक प्रत्येक महिला तक पहुँचाएँ।